गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8, आई एम सुशांत पांडे, वी हैव टू टीच यू साइंस। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू व्हाट डज इट मीन बाय द टर्म साइंस। इन हिंदी साइंस इज कॉल्ड विज्ञान। सो व्हाट इज साइंस, what is vigyan? If we study any natural phenomena, with definite algorithms and flowchart in a systematically way, your phenomena or the facts become science। किसी भी हम प्राकृतिक वस्तु को, प्राकृतिक सिस्टम को, नेचुरल सिस्टम को जब भी हम सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज तरीके से, मतलब क्रमबद्ध होना चाहिए और ऑर्गेनाइज मतलब संगठित करके, उसके सारे फैक्टर्स को संगठित करके, उसके सारे फैक्टर्स को कलेक्ट करके, उससे रिलेटेड सारे टर्म्स को कलेक्ट करके जब भी हम किसी सब्जेक्ट में पढ़ते हैं या वो सब्जेक्टिव आधार पर एलिब्रेट करने का प्रयास करते हैं किसी फैक्ट को या किसी टर्म को, तो उसको हम विज्ञान कहते हैं। हियर इन क्लास 9, सॉरी इन क्लास 8, आवर फर्स्ट चैप्टर इज क्रॉप प्रोडक्शन and management। क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, हमारा जो कक्षा 8 पे एनसीईआरटी के सिलेबस के हिसाब से जो पहला चैप्टर है ये है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। अब क्रॉप प्रोडक्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं जरा देख लीजिए। फसल उत्पादन एवं प्रबंधन, क्रॉप प्रोडक्शन को हिंदी बोलते हैं फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। अब फसल उत्पादन क्या है, क्रॉप प्रोडक्शन क्या है? व्हेन सिमिलर टाइप्स ऑफ प्लांट्स, व्हेन सिमिलर टाइप्स ऑफ ट्रीज आर टू बी ग्रोइंग, or any farmer is doing the farming of a particular plant in a certain area is called crop production, then certain area will be your farm। फसल उत्पादन किसी निश्चित पौधे के लिए, किसी निश्चित प्रोडक्शन के लिए जो सारी प्रक्रिया की जाती है किसी निश्चित क्षेत्र में, जिसे आप खेत बोलते हैं, उसे हम क्रॉप प्रोडक्शन कहते हैं, फसल उत्पादन कहते हैं। अब इसका प्रबंधन क्या है, मैनेजमेंट क्या है? तो सिंपल सी डेफिनेशन है प्रबंधन की, इफ वी आर यूजिंग मिनिमम रिसोर्सेज एंड गेटिंग मैक्सिमम आउटपुट्स व्हिच आर प्रोडक्ट्स एंड आर सर्विसेज आर बेस्ट मैनेजमेंट, और इट इज कॉल्ड मैनेजमेंट। प्रबंधन है क्या एक्चुअली में, कम से कम चीजों की, कम से कम लागत का, कम से कम मैन पावर का इस्तेमाल करते हुए ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करना, ज्यादा से ज्यादा चीजें उत्पन्न करना ही हमारा मैनेजमेंट कहलाता है। अब इस मैनेजमेंट में, ये मैनेजमेंट जो टर्म है ये लाइफ लॉन्ग चलता है, जीवन के हर फील्ड में, हर सेक्शन में नेसेसरी है। और जो क्रॉप प्रोडक्शन है ये फूड को जनरेट करने के लिए, मेडिसिनल प्लांट्स को जनरेट करने के लिए, या और भी जो हमारे जंगल से मिलने वाली या पौधों से मिलने वाली चीजों की जरूरतों को पूरा करने के लिए, जो भी हम किसी निश्चित क्राइटेरिया में कुछ मैनेजमेंट या कुछ स्टेप्स जरूरी लेते जाते हैं, वो क्रॉप प्रोडक्शन कहलाता है।
तो जो लोग हुआ करते थे वो दिन भर खाने की तलाश में बिता देते थे। तो दिन भर उनका दिन कैसे बीतता था, दिन भर में वो शिकार करते थे, जंगलों से फल फूल जो भी उन्हें मिल जाता था उसका कलेक्शन करते थे, रिवर से मछलियों को उनको पकड़ना होता था, लकड़ियों की इकट्ठा फूल इकट्ठा करते रहते थे, और ऐसे ही उनका जीवन और दिन पूरा बीत जाता था। और दिन के साथ में ऐसा पूरा वो लाइफ में ऐसे ही बिताते चलते थे और उनका जीवन समाप्त हो जाता था। लेकिन जब और उसमें व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह ऐसा करके माइग्रेट करता रहता था। माइग्रेशन का कारण यह था कि किसी निश्चित जगह पर यदि वो रह रहा है और निश्चित समय अंतराल के लिए, जो भी जंगल में उपलब्ध फूड रिसोर्सेज हैं, जो भी प्लांट्स हैं, जो भी फ्रूट और वेजिटेबल्स के जो उनके प्लांट्स लगे हुए होते थे पहले से, तो वो खत्म हो जाते थे किसी निश्चित समय के लिए या किसी निश्चित समय अंतराल में, तो उन्हें वो जगह छोड़नी पड़ती थी। तो जगह बदलने के कारण उन्हें माइग्रेशन में भी काफ़ी प्रॉब्लम आती थी, विद फैमिली उनको पूरा अपने जो भी जानवर उनके साथ में, जो भी अपना उनका उनकी गृहस्थी का सामान उनसे लेकर के शिफ्ट करना होता था। तो द मल्टीपल टाइप्स ऑफ माइग्रेशन इज हार्ड फॉर एनीवन, सो दैट्स व्हाई व्हेन फार्मिंग इज डिस्कवर्ड दे ऑल द persons at that particular time were decided to stay at single region. In that particular region, they tried to do farming. वो निश्चित क्षेत्र में रहने के साथ में उन्होंने किसानी करना, अपना खेती करना उस क्षेत्र में शुरू किया, जिससे कि जो उनकी जो बेसिक नीड्स थी वो फुलफिल हो पाई या वो कवर अप हो पाई फुल। इसलिए अब डे टू डे लाइफ में जैसे अपग्रेडेशन होता गया, आज के समय में देखिए तो फार्मिंग इंडिया की जीडीपी का ऑलमोस्ट 50-14 14-15% ओवरऑल जीडीपी का एक वर्ष का फार्मिंग ही है, कृषि व्यवस्था ही है। एग्रीकल्चर बहुत बड़ा सेक्टर है इंडिया के अंदर और पूरे वर्ल्ड के अंदर, जिसे कभी खत्म नहीं होना। क्यों नहीं खत्म होना? क्योंकि किसी भी व्यक्ति को कभी खाना खाना बंद नहीं करना। तो क्रॉप प्रोडक्शन का बड़ा ही महत्व है, इसे बहुत सारी मशीनों से, बहुत सारे टेक्निकल तरीकों से किया जाने लगा है। उसी सारे स्टेप्स को हमें इस चैप्टर में कवर करना है, यही इसका इंट्रोडक्टरी पोर्शन है। सो जब आप चैप्टर पढ़ लीजिएगा उसके बाद फिर आप आइएगा। अब एग्रीकल्चर क्या है? एग्रीकल्चर इज एन अप्लाइड साइंस, ये एक अप्लाइड साइंस है, प्रैक्टिकल विज्ञान है, प्रायोगिक विज्ञान है, दैट डील्स विद द मास प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप प्लांट्स एंड एनिमल्स यूजफुल फॉर अस। एग्रीकल्चर कृषि वो अप्लाइड साइंस है, ऐसा विज्ञान है जिसमें पौधों को उत्पन्न करना, जीवों को उत्पन्न करना जो कि ह्यूमैनिटी के लिए, ह्यूमंस के लिए, लोगों के लिए लाभदायक है, या तो उनका खाना बनेगा या उन लोगों से कुछ आउटपुट मिलेगा। तो एग्रीकल्चर में दोनों चीजें आ जाती हैं, प्लांट्स एंड ट्रीज का प्रोडक्शन then animal husbandry. अब प्लांट एंड ट्रीज प्रोडक्शन में आपके सीरियल्स हैं, पल्सेस हैं, वेजिटेबल्स हैं, वेजिटेशनल प्लांट्स हैं, फर्नीचर वाले प्लांट्स हो गए, वुडन प्लांट्स हो गए, टिम्बर्स हो गए, आपकी ऑयल क्रॉप्स हो गई, शुगर क्रॉप्स हो गई, बहुत सारी क्रॉप्स आती हैं, ये प्लांट्स के एग्जांपल हैं। देखिए सीरियल्स, पल्सेस, टिम्बर्स, आपका मेडिसिनल प्लांट्स,
फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड अनाज। अब एनिमल हस्बेंड्री में पोल्ट्री फार्मिंग, जिसमें कि चिकन वगैरह पैदा किया जाता है, डिफरेंट टाइप के डिफरेंट ब्रीड्स के चिकन पैदा किए जाते हैं, पोल्ट्री फार्मिंग, पिसीकल्चर, फिशरीज, सेरीकल्चर और मधुमक्खी पालन, ऐसा करके बहुत सारी चीज़ें, हनीस का प्रोडक्शन वगैरह। तो यहाँ पे जो इसके एग्जांपल है वो है आपका सेरीकल्चर, पोल्ट्री फार्मिंग, इसी कल्चर, मत्स्य पालन, मछली को पालने का जो व्यवस्था है वो जितने भी तरीके के जानवर में फार्मिंग की जाती है वो उसमें आ जाता है, डॉग कैनल्स भी आते हैं इसमें। तो ये सब एग्रीकल्चर के ही फील्ड है, ये एग्रीकल्चर के ही पार्ट है जो कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से ह्यूमन सोसाइटी को बेनिफिट्स पहुंचाने के लिए बनाई है। अब इसमें कुछ जनरल जो बातें हैं वो डिस्कस कर ली जाए। जो सीरियल है, सीरियल्स मीन्स अनाज, अनाज को जो हम अपने डेली लाइफ में यूज कर रहे हैं, राइस है, वीट है, मेज है, तो ये अनाज है आपके डे टू डे लाइफ में, उसमें बाजरा है, बाजरे है, ठीक है, पल्सेस, दालें जो आप यूज करते हैं, मूंग दाल है, चना दाल है, अरहर दाल है, जितने भी आप दालें यूज करते हैं, वेजिटेबल्स में आप डिफरेंट टाइप के वेजिटेबल्स रोज खा रहे हैं, टिम्बर जो फर्नीचर वाले लकड़ी के लिए, साल, सागौन, टी, ऐसे प्लांट्स हैं, मेडिसिनल प्लांट्स में तुलसी, एलोवेरा और बहुत सारी ऐसी जो नीम जिनका मेडिसिनल यूजेस है उनका हम प्रोडक्शन यदि कर रहे हैं तो मेडिसिनल प्लांट्स कहलाते हैं। फ्रूट्स में आप जानते हैं पॉमग्रेनेट हो गया, एप्पल हो गया, बनाना हो गया, इनकी जो मल्टीपल अलग अलग जगह पे डिफरेंट टाइप की खेती फार्मिंग की जा रही है, उससे प्रोडक्शन काफ़ी हाई हुआ है। और ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें हैं, स्पाइसेस हैं, मसाले हैं, मसालों में आपका कार्डमम है, जिंजर है और बहुत सारी चीज़ें जो भी आप लौंग, इलायची वगैरह जो भी आप यूज कर रहे हैं। फाइबर क्रॉप्स हैं, कॉटन, जूट, जिनसे कपड़े, बोरे इत्यादि बनते हैं। तो ऐसे करके बहुत सारे क्रॉप्स हैं, 11-12 उनकी कैटेगरी है, 15 कैटेगरी है। आप उसको सारी कैटेगरीज को लिख कर के अपने एग्जाम्पल, उनके 4-5 एग्जाम्पल जरूर लिखें। इसको आप जब करेंगे तो इससे फायदा ये होगा कि आपको एक तो डिफरेंट वेराइटीज और क्लासिफिकेशन जानने का मौका मिलेगा और उसके बाद में आपको अपना नॉलेज इन्हेंस करने का भी पावर मिलता है। तो उनके एग्जांपल्स कुछ मैंने बता दिए हैं, कुछ आप देखिएगा। अब नेक्स्ट है आपका जैसे एनिमल हस्बेंड्री में, अब एनिमल को मत्स्य पालन किया जाता है, मछली को पालते हैं खेतों में, लोग उनको बेचते हैं। मछली वर्ल्ड में 95% प्रोटीन का सोर्स है, हर कंट्री में पल्सेस की खेती संभव नहीं है, हर जगह पर दाल पहुँच जाए या दाल उत्पादित हो, दाल को पैदा किया जा सके, ये संभव नहीं है। 95% जो फिश फूड है, ये सी फूड के रूप में या रिवर फूड के रूप में, और जो एग्रीकल्चर हम यूज कर रहे हैं उसके रूप में जो फिश का प्रोडक्शन है, 95% वर्ल्ड में रिसोर्स है प्रोटीन का। तो फिर आप शहद को उत्पादन कर रहे हैं, मधुमक्खी का वो पालते हैं लोग, फिर डिफरेंट टाइप की बकरी इत्यादि का भी, गायों के लिए डेयरीज होती हैं, भैंसों के लिए भी सेम डेयरीज का ही प्रोडक्शन है, इनसे बायोगैस प्लांट वगैरह भी बन जाता है। और ऐसा करके बहुत सारे जानवरों को, डॉग कैनल्स लोग पालते हैं, अलग अलग ब्रीड के अच्छे डॉग को अपने ऐसी जगहों पर रखते हैं जहाँ से उनसे उनके बच्चे पैदा हों और उनको बेचते हैं लोगों को। तो ये सारी की सारी चीज़ें एग्रीकल्चर फील्ड में ही आती है और ये इनके डिफरेंट टाइप के पार्ट्स बताते हैं। तो ये एग्रीकल्चर का जो बेसिक फिनोमिना है वो ये है। इसके बाद आइए जरा बेसिक क्रॉप्स में, जो बेसिक क्रॉप्स होती है वो तीन टाइप की होती है,
बेसिक क्रॉप्स को जो डिवीजन है इनका क्लासिफिकेशन है वो थ्री टाइप का है, मौसम की डिपेंडेंसी के आधार पर क्रॉप्स को तीन टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। वो तीनों टाइप है, फर्स्ट है रबी, सेकेंड है खरीफ और थर्ड है जायद। रबी क्रॉप वो क्रॉप होती है जिनका जो सोन पीरियड होता है वो नवंबर दिसंबर होता है। इनके बीजों को बोते हैं नवंबर दिसंबर में, इनका जो प्रोडक्शन होता है वो होता है प्रोडक्शन इनका किस पीरियड में, मार्च अप्रैल में। इनकी जो एग्जांपल्स हैं वीट, मस्टर्ड आपका ग्राम चला, ये इनके एग्जांपल्स हैं। ठीक है, जब आपके खरीफ क्रॉप, खरीफ क्रॉप का जो बीज बोने का समय है वो खरीफ क्रॉप को वाटर बहुत ज्यादा हाई क्वांटिटी में चाहिए इरिगेशन के लिए, तो जब बारिश का समय आता है आपका जून जुलाई उस समय इसको खरीफ क्रॉप को हम इनका बीज बोते हैं। इनका प्रोडक्शन इसी समय रबी क्रॉप के जरा से पहले होता है, तो अक्टूबर नवंबर में इनका जो है प्रोडक्शन होता है। इसमें राइस, मेज और बार्ले, राइस, मेज, सोयाबीन, एक्सेट्रा। अब जो जायद क्रॉप है, जायद किस तरह की ऐसे भी कई लिखी हो सकती है, जायद क्रॉप जायद भी लिखते हैं, जैद भी लिखते हैं। तो जायद क्रॉप जो होगी आपकी ये जब अब खेत खाली हो जाएगा मार्च के बाद में, तो अप्रैल में इसका बीज बोया जाता है, सीड सोन किया जाता है, इसका जो प्रोडक्शन है वो जून तक चलता है और इसे कैश क्रॉप भी कहते हैं। इसमें ऐसी खेतों में सब्जियां या ऐसी चीजें लगाई जाती है जो सीधे तोड़ के बेच दी जाए, इन्हें कैश क्रॉप भी कहते हैं। जैसे कुकुम्बर, वाटरमेलन, खीरा, ककड़ी, जो भी चीजें इस समय आती है वो आपकी जैद क्रॉप हो जाती है, जिसे सीधे के सीधे हम खेत से तोड़कर मार्केट में सेल कर सकते हैं। तो उसको बोलते हैं रबी, खरीफ और जैद। जैद को हम कैश क्रॉप भी बोलते हैं। अब इनको कैश क्रॉप दोनों को क्यों नहीं बोलते? कैश क्रॉप का मतलब ये होता है खेत से सीधा तोड़ा और सीधा बेच दिया गया तो उसको हम कैश क्रॉप बोलेंगे, लेकिन इनमें रबी और खरीफ में खेत से काटने के बाद थ्रेसिंग करना पड़ता है, हार्वेस्टिंग के बाद थ्रेसिंग है, तो थ्रेसिंग मतलब दाने से भूसे को अलग करना पड़ता है, जिसके कारण इसमें प्रोसेस करने में थोड़ा समय लगता है, इसे बीच में सुखाना पड़ता है, ड्राई करना पड़ता है, इनके जो प्रोडक्शन है इनका जो प्रोडक्ट है, तो जब वो ड्राई होगा उसके बाद उसको थ्रेस करेंगे, भूसा अलग करेंगे उसका। सो रबी और खरीफ को प्रोसेस करना पड़ता है, फार्मिंग के बाद में भी प्रोसेस करना पड़ता है। इस प्रोसेसिंग के कारण ही हम जो है इन्हें कैश क्रॉप नहीं बोलते। ठीक है, तो आज आपने पढ़ा क्रॉप प्रोडक्शन क्या होता है, ये इसका इंट्रोडक्टरी पोर्शन, मैनेजमेंट क्या है उसका इंट्रोडक्टरी पोर्शन, इसके बाद आपको मैंने बताया एग्रीकल्चर क्या है, एग्रीकल्चर के टाइप्स क्या है, एनिमल हस्बेंड्री क्या है, आपने क्रॉप प्रोडक्शन के डिफरेंट टाइप्स पढ़े, डिफरेंट टाइप्स की क्रॉप्स पढ़ी,
नेक्स्ट आगे के वीडियोस में देखते जाएंगे और आगे के वीडियोस में पढ़ेंगे। थैंक यू।